इसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आइए बिना समय कमाए हम लोग फटाफट अपने बिंदु पर चलते हैं। मैं आपके साथ दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह, पांच ग्रह, अर्थात कोई भी ग्रह एक साथ एक भाव में बैठकर जब कुंडली में बैठते हैं उसको कहते हैं ग्रहों की युति। मैं संपूर्ण युतियों पर लेकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसके आधार पर अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके ग्रह आपकी कुंडली में कौन सी युति हो रही है और उसका क्या फल रहेगा। आज भी हम यही चर्चा आगे विस्तार कर रहे हैं। देखिए जब भी हम युति का फल देखें इससे पहले हमें एक चीज़ और भी देख लेना चाहिए जो सामान्य सभी चीज़ों में देखना होता है, उसको यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं वह किस स्थिति में बैठे हुए हैं। वह ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि पर बैठे हैं, पाप से युत हैं, दृष्ट हैं या मित्र के साथ में हैं, ये देखना परम आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों पर बने रहो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और समय समय पर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चा हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चर्चा कर लेंगे मंगल, शुक्र और शनि को लेकर। ये तीनों ग्रह जब एक स्थान पर आकर के कहीं बैठेंगे तो क्या इसका संयोग बनेगा, क्या फल यहाँ पर सामान्यतः इसका बनने वाला है। का भृगु मंद्र कुजिर योगे दुःशीला पति सुबह प्रवासशीलो दुखी च जायते ज्ञायते जायते सदा। अर्थात ये शुक्र मंगल और शनि का युतिगत संगत कहीं आधार कोई बनता है, एक साथ बैठते हैं तो एक साथ में बैठने से दुश्चरित्रा वाले स्त्री का इनके जीवन में आगमन होता है, चाहे पत्नी के रूप में हो चाहे प्रेमिका के रूप में हो, लेकिन इनको ऐसी स्त्रियां हमेशा मिलती हैं। प्रपंच में ये स्वयं भी पड़े रहते हैं और प्रपंची लोग इनको मिलते भी, उत्तम स्वभाव इनके जीवन में नहीं बन पाता है। प्रपंच वाला ही उत्तम स्वभाव इनको भाता भी है और उसी में ये स्वयं भी लगे रहते हैं। लेकिन खास बात यह कि ऐसे व्यक्ति अपने यहाँ अपने घर में नहीं टिक सकते। कुछ आचरण इनका ऐसा होता है कि ये घर में रहना ही पसंद नहीं करते हैं। अगर रहते भी तो इनको घर के लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं और प्रदेश में ऐसे व्यक्ति खूब फलते फूलते हैं। बाहर रहने के संयोग इनके जीवन में काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी आते हैं, लेकिन सुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं जीवन में दुख का आगमन भी लगा रहता है। लेकिन मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ कि आप इसको अपने कुंडली में संपूर्ण भावों का विचार करने बाद युति का फल भी आपको देखें।